एपिसोड 1 में आपने देखा कि सिब्बू अपनी गर्ल गैंग के साथ मूवी नाइट का प्लान करती है। फिर वो मूवी देखते देखते बोर हो जाते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना ट्रिप पे जाया जाए। फिर वो बहुत सारा ट्रैवल करके अपने दादाजी के विला पर जाते हैं। जैसे ही वो विला पर पहुंचते हैं पीछे से उन्हें कोई आवाज़ देता है और वो सब लोग डर जाते हैं। ये जानने के लिए कि वो कौन था देखते हैं आगे क्या होता है। और जिसने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है वो पहले एपिसोड 1 जाके देखे और फिर एपिसोड 2 देखे। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हम तो आपको देख के चिल्ला रहे हैं, डर गए हम। दिन में लालटेन लेके कौन घूमता है? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। अरे यार अंकल ना सखिया गए हैं, चलो हम अंदर चलते हैं। यार इधर इतना अंधेरा क्यों है? मैं अभी रोशनी करके आता हूँ। रोशनी करके आता हूँ? मशाल जलाएगा क्या? नहीं, स्विच बोर्ड ढूंढ रहा हूँ। वाओ यार ये घर तो कितना सुंदर है अंदर से, और ड्रामना भी। यार तू ऐसी बातें मत किया कर यार। चलो गाइस देखो इस फ्लोर पे 4 रूम है तो हम एक एक रूम ले लेंगे। 4 नहीं 3 रूम है। अरे 3 क्यों, एक वो भी तो है। वो रूम हमेशा बंद रहता है क्योंकि उस रूम में घर की पुरानी चीजें हैं। गलती से भी उसे मत खोलना। हाँ हाँ जो भी है ठीक है, वैसे भी हम 3 लोग हैं तो हमें 3 ही रूम चाहिए। चलो अंदर चलते हैं हम। यार एक मिनट, 3 रूम है तो हम अलग अलग क्यों रहेंगे? तुझे पता है ना मुझे डर लगता है, इतने बड़े घर में मैं अकेले नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है तू हमारे साथ रुक जाइयो, आ जा। चलो गाइस आज काफी थक गए हैं और आज मैंने ड्राइविंग भी की है तो आज सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, कल पार्टी करेंगे। अबे ओ क्या सो जाते हैं, तू यहाँ सोने आई है? हम आज भी पार्टी करेंगे और कल भी, हम आज का दिन वेस्ट नहीं करने आए हैं। अरे यार क्या यार, पार्टी होगी, आज भी होगी और कल भी होगी। अच्छा चल ठीक है, पहले फ्रेश हो जाते हैं, चेंज वगैरह कर लेते हैं, फिर पार्टी की तैयारी करते हैं। चल ठीक है। ये क्या था? हो सकता है मेरा वहम हो। ये क्या था? हो सकता है मेरा वहम हो, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। मम्मी मम्मी, सिब्बू सिब्बू, तेजू जल्दी आओ, यहाँ पे कोई है। अब इसे क्या हुआ? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? अरे बता ना क्या हुआ, यहाँ पे कोई था,
अभी मैंने किसी को यहाँ पे देखा है। अरे यहाँ पर कोई नहीं है, तेरा वहम होगा। नहीं यहाँ पे कोई है, हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई है। पर कौन? मुझे नहीं पता, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अबे यार पी इसने है और चढ़ी तुझे है, यहाँ पर हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। देख अभी हम पार्टी करेंगे, चिल हो जाएगी तू, ठीक है? तू जा पार्टी की तैयारी कर, हम बस 2 मिनट में आते हैं, ठीक है? आजा। शायद मेरा ही वहम होगा। यार ये सामान तो मैंने अभी वहां रखा था, ये वापस कैसे आ गया? यार लगता है मेरा ही दिमाग काम नहीं कर रहा है। यार तेरे फिर से ड्रामे शुरू हो गए। नहीं सिबू ट्रस्ट मी, ये सामान मैंने खुद वहां पे 2 बार रखा और वापस यहीं आ गया। क्या कुछ तो अजीब है। अरे यार यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं है, चल अब हम ना तेरे साथ ही हैं, देखते क्या अजीब है यहाँ पर। हाँ ये सामान मैं ले चलती हूँ। चलो गाइस पार्टी स्टार्ट करते हैं। अबे यार इसने अभी तक मुंह बना रखा है। चल एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। ट्रूथ एंड डेयर खेले। अबे यार तू पागल है क्या, ट्रूथ एंड डेयर कौन खेलता है? ये तो बच्चों के गेम होते हैं। और तुझे क्या लगता है ट्रूथ एंड डेयर में कोई ट्रूथ बोलता होगा? मैंने तो आज तक नहीं बोला। फिर क्या खेले? वो जो भूत बुलाने वाला गेम होता है वो खेले। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं यार मुझे नहीं खेलना ये सब, तुमको दिखनी है कितनी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, और तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है, और तुम्हें भूत बुलाने वाला गेम खेलना है। मैं नहीं खेल रही। अबे यार तू कितनी बड़ी फट्टू है, ये सब कुछ नहीं होता, ये जस्ट गेम है, ठीक है? खेलते हैं, कुछ भी नहीं होता, और हम हैं तो तेरे साथ। बट गेम के रूल्स क्या होंगे? अरे बहुत सिंपल सा गेम है, बस हाथ पकड़ के रखना है और आंखें बंद रखनी है और ब्लडी मैरी बोलना है। ठीक है। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। नहीं मुझे नहीं खेलना गेम, देख लो कैसी अजीब चीजें हो रही हैं, अपने अब लाइट्स ऑफ हो रही है यार। अरे यार पर तूने हाथ क्यों छोड़ा? हाँ हाथ भी नहीं छोड़ना था और आंखें भी बंद रखनी थी। मैंने कहा था मत खेलो ये गेम, मुझे बहुत डर लगता है, मेरे को तुम्हारे साथ बैठना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा था ना यहाँ सब कुछ अजीब है, पहले मुझे कोई दिखा वहां पे, और फिर वो सामान जो मैंने रखा था वो वापस वहीं किचन में पहुंच गया, उसके बाद ये लाइट्स, अभी झूला। यार अब तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ कुछ तो अजीब है। यार सिब्बू यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत कुछ अजीब है। गाइस हमें ना यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, हम चलते हैं वापस घर। हाँ गाइस चलो घर चलते हैं। चल सिब्बू। चल तेजू। तेजू तेजू।
रहा क्या? घर नहीं चल रहा क्या? तेजू। कौन तेजू? मैं तेजू नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? मैं तो चुटकी हूँ। चुटकी? अरे बैठे बैठे सो गई क्या मैं? छी, ये सिगरेट किसने पकड़ाई? और ये कैसे बैठी हूँ मैं? थैंक गॉड तेजू तो ठीक हो गई। अब हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है। चलो सामान लेके आते हैं। चल सिब्बू, सिब्बू चल, सिब्बू। अबे तू कैसे पी रही है? तू तो पीती नहीं है। सिब्बू। कौन सिब्बू? सिब्बू नहीं हूं मैं। फिर कौन हो तुम? मैं तो चुटकी हूं। चुटकी? चकना कहाँ है मेरा? चकना कहाँ है? मेरा चकना लेकर आओ। सुनाई नहीं देता? चकना लेकर आओ मेरा। अरे यार ये इतना सर में दर्द क्यों हो रहा है मेरे अचानक से? और ये लोग कहाँ गए? अरे तुम लोग कहाँ छोड़ के चले गए थे मुझे यहाँ पे? और मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे सिब्बू तू ठीक हो गई? यार घर चलते हैं, अब यहाँ पर एक मिनट भी रुकना ना खतरे से खाली नहीं होगा। गाइस वो क्या था? चलो चलो चलते यहाँ से। चल्ली प्यारी तुम कौन हो? मैं हूँ चुटकी।
चुटकी कौन? चुटकी मतलब चुड़ैल। पहले मैं चुटकी थी, अब मैं चुड़ैल हूँ। हाँ हाँ, जो भी हो, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से जाओ प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम भी कहीं नहीं जाओगे। इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा तो सिर्फ तारू लेने बाहर जाएगा। पर तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? मैं नहीं बताऊंगी। तारू दो मुझे। देखो हमारे पास मत आना, मैं जला दूंगी तुम्हें, ये तुम्हारे आगे फेंक दूंगी, जल जाओगी तुम। इससे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, चुटकी चुड़ैल। अबे ये क्या कर रही है पागल? इससे ना पॉजिटिविटी फैलती है, ये चुड़ैल भाग जाएगी। इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करते हैं, बीन बजाते हैं। हाँ चुड़ैल है वो, नागिन नहीं है जो बीन बजाते हैं। हाँ ये तो है, एक काम करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोग उजागर। रुको 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 रुको, मुझे इससे थोड़ा असर हो रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोग उजागर, तीहु लोग उजागर, तीहु लोग उजागर आगे। भूल गई प्यारी। रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी बजरंगी। फिर से भूल गई प्यारी। गूगल कर ले यार। हाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये वाली पढ़ी, ये वाली लाइन। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रुको 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 रुको, बताती हूँ बताती हूँ बताती हूँ। तो पूछो क्या पूछना है तुम्हें। हाँ तो बताओ तुम मरी कैसे? एक समय की बात है, तब मैं बहुत दारू पीती थी, मुझे दारू बहुत पसंद थी। जब मुझे प्यास लगती थी तब मैं पानी नहीं पीती थी, तब मैं दारू पिया करती थी। अरे ये सब तो ठीक है, पर तुम मरी कैसे? बीच में ना बोल। हाँ हाँ बताओ। एक दिन मेरी दारू पीते पीते खत्म हो गई, तब मैंने अपने बॉयफ्रेंड से वो दारू मांगी, उसने मुझे मना कर दिया। मैंने उसे इतना मारा कि उसने एक दिन मुझे ही मार दिया और फिर मैं मर गई। तब मैंने सोचा कि जब मैं चुड़ैल बनकर वापस आऊंगी तब मैं उससे बदला लूंगी, लेकिन जब तक मैं चुड़ैल बनकर वापस आई तब तक वो भी मर चुका था। अरे पर वो कैसे मरा? बीच में ना बोल। हाँ कंटिन्यू। बाय द वे गुड क्वेश्चन, वो भी दारू पी पी के मर गया था। फिर मैं अकेली पड़ गई और दारू के ठेके पे दर दर भटकती रही। फिर लॉकडाउन लग गया और मुझे दारू मिलनी बंद हो गई और फिर मैं सदियों से ऐसे लोगों का इंतजार कर रही थी जो दारू पीते हो। पर तुम हमारी की चिट्टी, मैं तो दारू पीती नहीं हूँ। अच्छा यारी फिर से झूठ बोल रही है। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ उनको चिपटती हूँ जो दारू पीते हैं। और जब इसने गाड़ी में वो बोतल का ढक्कन खोला फिर मैं
तुमसे चिपट गई और तुम लोग के साथ यहाँ आ गई। पर तुम गाड़ी में आई कैसे? गाड़ी तो बंद थी। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। गाड़ी की बोनेट पे बैठ के आई हूँ। अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम भी मुझे फिर दारू दे दो। रुको रुको रुको, जो चाहिए तुम वो ले लो। रुक जाओ, सब बॉटल ले लो, ले लो। ये तो खत्म हो गई, और दो। अरे अब कहाँ से दारू दे, तुम तो सारे पी गई, हमारे पास नहीं है। खरीद के लाओ। अरे पर हमारे पास पैसे कहाँ है अब? फिर से झूठ बोल रही है प्यारी। अब ये बताओ, तुम में से सबसे ज्यादा रईस कौन है? अच्छा, चलाक बन रही है प्यारी। तुम बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा की तो खिलौनों की फैक्ट्री है। और तुम? मेरे पापा की तो चाकू छुरी की फैक्ट्री है। और तुम? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा? इसके पापा का दारू का ठेका है। हाँ। ये प्यारे काम की है। चल अब अपने पापा को फोन कर और बोल तू किडनैप हो गई है और बदले में दारू की पेटियां चाहिए। अरे पर दारू की पेटी से तुम्हारा क्या होगा? हाँ, तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, वहां पे इसके पापा के दारू के ठेके पे तुम रहना और जितनी मर्जी दारू पीना, तुम वहीं पे रहना आराम से। चलो चलो चलते हैं। अरे रुको, पर तुम जाओगी कैसे? तुम्हारे साथ गाड़ी में। अरे पर गाड़ी में तो जगह ही नहीं है, पीछे लगेज रखा है और ये है और आगे हम दोनों। मैंने बोला ना, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, गाड़ी की बोनट पे बैठ के जाऊंगी। अरे तुम ऐसे कैसे गाड़ी के बोनट पे जाओगे, हमें अच्छा थोड़ी ना लगेगा। एक काम करो तुम ना, इस दारू की बोतल में आ जाओ। क्यों, दारू की बोतल के अंदर क्यों आऊं मैं? अरे हमारे पास बियर की एक लास्ट बोतल यही बची है, अब तुम इसमें बैठ के आराम से इसको पीते पीते चलना और हम गाड़ी में चलेंगे और वहाँ जाके इसको ठेके पे रख देंगे, फिर तुम वहाँ निकल जाना। हाँ, वेरी गुड आइडिया। फंस गई प्यारी। अब बता बेटा, अब कैसे निकलेगी इसमें से? धोखा दिया तुम लोगों ने मेरे को। जिस दिन ये चुटकी इस बोतल से बाहर निकली ना, तुम लोगों को चुटकी में उड़ा दूंगी। बेटा जब तू निकलेगी तब ना। चलो गाइस, अब ये टेंशन तो खत्म हो गई और घर जाना भी कैंसिल, तो अब पार्टी करते हैं। ये चलो गाइस, अब तुम टेंशन फ्री हैं, ना किसी भूत की टेंशन और ना किसी चुड़ैल की। और सिब्बू आज तो तू भी पिएगी, तूने तो भूत पकड़ा है यार, क्या दिमाग लगाया है। हाँ आज तो मैं भी पीऊंगी। रुको मैं ग्लास लेके आती हूँ। ए ग्लास में ना बच्चे पीते हैं और हम बड़े हैं, हम तो बोतल में पिएंगे। हाँ पर यार वो सारी ड्रिंक तो चुटकी पी गई, हम क्या पिएंगे? अबे ओ, उस चुटकी से ज्यादा बेवड़ी हूँ मैं, मैंने और बोटल्स रखी हैं छुपा कर, अभी लेकर आई। चलो स्टार्ट करें। हाँ। How heavy is that? Like working the bass on the track on my face and the back, like I'm taking a slap. मजा आ गया। अरे वो चुटकी वाली बोटल कहाँ गई? कहा था ना कि ये चुटकी जिस दिन बाहर आ गई उस दिन तुम लोगों को चुटकियों में खत्म कर देगी। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding.